आज मैं बनाने जा रहा हूँ होममेड सालसा। हेलो गाइस, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय चैनल। ये है होममेड सालसा बनाने की सामग्री। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है नींबू, मिक्स टमाटो सॉस, यह है नमक स्वाद अनुसार, यह है ऑरिगेनो 1 चम्मच, यह है ग्रीन चिल्ली 1 चम्मच, और यह है कोरिएंडर, यह है अनियन, और यहाँ पे मैंने लिया है कैप्सिकम, और ये है टमाटो 4। यहाँ पे पहले मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, और ये है मेरे पास जो चॉपर होता है वो है, देखिए पूरा, और इस पर मैं करूँगा टमाटो मिक्स। हमने इसका टमाटो पेस्ट बनाना है, हमने पूरे टमाटो नहीं डालने हैं इसमें, आधे टमाटो डालने हैं, और इसको कवर करना है, और इसको अच्छे से हमने एक पेस्ट बनाना है। देखिए हमारा पेस्ट बनने वाला है, यहाँ पे अच्छे से कट हो चुके हैं, हमने इसको और अच्छे से घुमाना है और एक अच्छा पेस्ट बनाना है। देखिए हमारा यहाँ पे कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। अब मैं रख दूँगा इसको साइड में, और जो बचे हुए टमाटर थे उनको लेंगे और चॉपिंग बोर्ड पे इनको करेंगे हम कट। इनको हमने बहुत बारीक बारीक कट करना है, ऐसे ही हमने सारे कट कर देने हैं। मैंने यहाँ पे सारे कट कर लिए हैं। अब मैं डालूँगा इनको बाउल में। देखिए मैंने इसको बाउल में डाल दिया है। अब हम फिर से लेंगे वही चॉपर, इसमें डालेंगे हम अनियंस, और अनियन को भी कर लेंगे हम चॉप। इससे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है और इजीली हो जाता है। देखिए अच्छे से चॉप हो चुके हैं, और ऐसे ही अब हमने लेना है अपने कैप्सिकम को। यहाँ पे हमने फिर से इसको कवर करा और हमने कैप्सिकम कट कर लिया। देखिए हमने इसको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको भी रख देंगे हम साइड में। अब मैं लूँगा यहाँ पे एक बाउल, बाउल में डालेंगे हम ये जो हमने टमाटो पेस्ट करा था और कट करे थे वो डाल दिया। अब डालेंगे इसमें हम चॉप्ड अनियन, फिर डालेंगे हम इसमें धनिया, जो हमारे कप में था हमने वो डाला है, फिर डालेंगे हम इसमें कैप्सिकम, और ये है हमारे ग्रीन चिली, और ये है ऑरिगेनो, और नमक स्वाद अनुसार, और फिर लिया है मैंने यहाँ पे मिक्स टमाटो पेस्ट। इसमें हमारे 2 चम्मच केचप के हैं, 2 चम्मच हमारा टमाटो प्यूरी है, और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल है, 4 हमारे इसमें लहसुन है, और 1 चम्मच हमारा विनेगर है। हमने इसको अच्छे से मिक्स करके बनाया है, और फिर डाल रहा हूँ मैं इसमें यह है लेमन, लेमन के निकालेंगे बीज। देखिए हमने ऐसे करके स्क्वीज़ करना है। ओ यहाँ पे 2 और आ चुके हैं हमारे लेमन के बीज, इसको निकालेंगे हम, 2 या 3 है। देखिए इसको निकाल लिया हमने बाहर, और अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। देखिए और रेडी है आपका होममेड सालसा। अब मैं अपने सालसा को डालूंगा दूसरे बाउल में। ऊपर से करूंगा मैं इसमें ये है धनिया के पत्ते का गार्निश, और रेडी है आपका होममेड सालसा। अब मैं करूंगा इसकी प्लेटिंग। मैंने यहाँ पे लिया है एक प्लेट, बीच में डालूंगा मैं अपने होममेड सालसा को, और साइड में डालूंगा मैं नाचोस। ये नाचोस मैंने घर पे बनाए हैं, अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और रेडी है आपका होममेड सालसा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।